इस वीडियो की एज रेंज रहेगी सिक्स टू नाइन मंथ्स बेबी मैं ऑलवेज आपको एज रेंज देती हूँ बिकॉज आपको ये समझ में आए कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ये टॉयज़ एंड मटेरियल सबसे बेस्ट सूट करता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद लाइक टेन टू ट्वेल्व मंथ्स के जो बेबीज़ है ये इसे इंजॉय नहीं कर सकते uh, वो भी कर सकते बिकॉज़ दीज टॉयज़ आर जनरेशन टॉयज़ जब तक आपका बच्चा इंटरेस्टेड रहे तब तक वो इससे खेल सकता है ना मॉन्टेसर मैथड के बारे में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मेरी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें आप वीडियोज चेकआउट कर सकते हैं मैंने उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि घर में आप मॉन्टेसरी सेटअप कैसे करें बच्चों को शेल्फ कैसे उनका तैयार करें उनकी टॉयज़ एंड मटीरियल्स की सिलेक्शन कैसे बनाए उनको एक्टिविटी प्रजेंट कैसे करें उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाए सो so, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वो एक ग्रोइंग प्लेलिस्ट है एवरी वीक आपको एक मॉन्टेसरी वीडियो मिल जाएगा नाउ डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने 20th सेंचुरी में कुछ वुडन टॉयज़ या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके बच्चों के लिए एक ऐसे टॉयज़ बनाए ऐसे मटेरियल्स तैयार किए जो जिन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा किया और उन्हीं की फिलोसॉफी से इंस्पायर होके आज आप देखोगे कि बहुत सारी टॉय कंपनीज़ है जो ऐसे वुडन टॉयज़ बनाते हैं जो सिंपल uh, होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं एंड स्पेशली पर्पजफुल टॉयज होते हैं दीज टॉयज़ आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके माइल स्टोन हीट करने में ये हेल्प करता है और ये सेल्फ करेक्टिंग टॉयज़ होते हैं नॉन बैटरी ऑपरेटेड इसमें आपका बच्चा एक्टिव होता है uh, और टॉयज़ जो है वो पैसे होते हैं बस uh, इतना आपको मान के चलना है इस वीडियो में बिकॉज़ uh, ये जो टॉयज़ एंड मटीरियल्स आप देखोगे वो सब आपको थोड़े अलग लगेंगे जो हम हम अब तक यूज करते आ रहे थे बट मैं आपको डिटेल में गाइड करती जाऊंगी कि आप इसे आपके बच्चे को इंट्रोड्यूस करके आ, कितने बेनिफिट्स उनको दे सकते हैं सो मॉन्टेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज में आज हम देखेंगे कि सिक्स टू नाइन मंथ्स बेबीज के लिए टॉयज का सिलेक्शन हम कैसे बनाए सो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला टॉय है वुडन स्पिनिंग ड्रम नाउ ये एक बहुत ही कलरफुल स्पिनिंग ड्रम है जो इस तरह से घुमाने से स्पिनिंग इफेक्ट आती है नाउ ये एक रिसर्च बेस्ड और डेवलपमेंटली अप्रोप्रियट टॉय है ये बच्चे स्पेशली जब बैठना सीखते हैं छः से सात महीने का बच्चा बैठना सीख लेता है तो सिटिंग बेबीज़ के लिए ये टॉय बहुत ही अप्रोप्रिएट है बच्चा जब इसे ऐसे घुमाएगा तो ये स्पिनिंग इफेक्ट आएगी जिसके कारण वो कॉज एंड इफेक्ट समझ पाएंगे और इसको उस करते वक्त उनकी ये जो रिस्ट मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छे से प्रमोट होती है सो फाइन मोटर एज वेल एज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स को ये इम्प्रूव करता है कलर रिकगग्नीशन के लिए बहुत ही सही है और मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इससे बच्चे बहुत एंगेज रहते हैं ये बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं ये नॉन बैटरी ऑपरेटेड है तो बच्चे को खुद इसको यूज़ करना है सो so, uh, ये डेवलपमेंटली हंड्रेड परसेंट अप्रोप्रियट टॉय है यू कैन कंसिडर सो नेक्स्ट इज़ अ सेट ऑफ़ वुडन मराकाज ना दिस इज़ अ रैटल और ये हम जब बेबीज़ के लिए या फिर टोडलर के लिए वुडन इंस्ट्रूमेंट्स का बास्केट तैयार करते हैं उसमें ये हम इंक्लूड करते हैं ये सेट में आता है मेरे पास जो है ये कम्प्लीटली लाइक वुड है ओनली देर इज़ नो पेंट ऑन इट और uh, ये इसकी जो साइज़ है ये सब पूरी ब्लंड है बेबी के लिए बहुत ही सेफ है और इसकी डिज़ाइन जो है वो इस तरह से की लाइक दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर होल्डिंग एंड शेकिंग बेबीज़ जो होते हैं वो उसे बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं ना ऑडिटरी सिमुलेशन के लिए इस तरह के रैटल्स uh, जो आते हैं वो परफेक्ट है बिकॉज इसमें आप देखोगे कि जो साउंड क्रिएट होता है वो बहुत ही काम एंड सूदिंग है बहुत शार्प साउंड uh, नहीं है तो उनकी प्रॉपर ऑडिटरी डेवलपमेंट के लिए या फिर उनको ओवर सिमिलर क्योंकि कुछ रेटल्स ऐसे आते हैं जो बहुत इरीटेटिंग साउंड क्रिएट करते हैं सो यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी सूदिंग साउंड सो आप ऐसे मराकाज ले सकते हैं एंड इसमें वेराइटीज़ uh, भी आती है रैटल्स की अगर बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने एक रखा है आपको दिखाने के लिए ये एग रैटल है इस पर कलर है सो अगेन दिस पेंट इज़ सेफ़ फॉर बेबी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रास्क uh, हो सकता है तो बच्चे अपने खुद को भी सेल्फ uh, फंट टेन कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज अ बास्केट ऑफ ब्लॉक्स नाउ ये एक ओपन एंडेड टॉय है और अगर आप छः महीने के बाद अपने बेबीज को मोंटेसरी शेल्फ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप सबसे नीचे का जो लेयर है वहाँ पे इस तरह का बास्केट रख सकते हैं सो so, बेबीज़ इसे लाइक like, शुरुआत में इसे बैंक करते हैं फिर वो इसे स्टैक करना सीखेंगे ग्रेजुअली वो थ्रो करना सीखेंगे आप भी उनको सिखा सकते हैं सो देर आर सो मेनी वेज दिस काइंड ऑफ ब्लॉक्स कैन हेल्प योर बेबी टू लर्न न्यू न्यू स्किल्स सो अभी की मैं बात करूँ तो माई टोडलर स्टिल लव्स टू प्ले विथ इट पर ये स्पेशली बेबीज़ uh, जो होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है तो आप ऐसे ब्लॉग्स जरूर ले वुडन पैग डॉल एंड अ कार नाव ये जो है ये एक क्लासिक वुडन बॉक्स पैक बॉक्स जो आता है उससे इंस्पायर होकर हमने ये टॉय uh, इस कैटेगरी में रखा है uh, वो जो है टॉय जिसकी मैं बात हूँ वो वुडन peg बॉक्स आता है और उसमें कुछ चार पांच पैग्स uh, होते हैं उस बॉक्स में बॉटम uh, पे कुछ स्प्रिंग्स लगे होते हैं तो बच्चे जैसे उसे पुश करते तो वो स्प्रिंग की वजह से उछल के बाहर गिरता है सो so, ये जो एक्शन है ये बच्चे को बहुत फैसिनेट करता है जिसके कारण बार बार, बार बच्चे वो पैग्स को डालेंगे सो जब वो डालते तब उनके आई कोऑर्डिनेशन कोर्डिनेशन इंप्रूव होती है और इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट बच्चे को यह सिखाता है सो so, इस तरह के टॉय जब आप बच्चे को आ, इंट्रोड्यूस करेंगे तो शुरुआत में आ, एक तो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे वो अपने मुंह में डालेंगे या फिर यू नो दिस इज़ अ वुडन डॉल तो ये सेफ़ है सो so, पहले वो एक्सप्लोर करेंगे और इसमें से रिमूव करना सीखेंगे हो सकता है कि वो इसमें फिट ना कर पाए बिकॉज़ ये ग्रेजुअली वो सीखेंगे सो मटेसरी टॉयज़ जो होते हैं इसकी ब्यूटी ये है कि दीज़ आर सेल्फ़ करेक्टिंग टॉयज़ आपको उनको बार बार या यू नो गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है खेलते खेलते ही वो सीख लेंगे कि ये आ, कैसे यूज़ करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसमें ऐसे फिट होता है तो बेबीज़ के लिए ये बहुत ही सही है ना इसी तरह का एक और पज़ल था जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था एंड वो था एग एंड कप सो so, uh, वो इस तरह से है दिस इज़ ऑल नेचुरल मटेरियल इस पर मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी आप ज़रूर चेकआउट करिए सो so, दिस इज़ द फ़र्स्ट पजल फॉर बेबीज़ यू कैन इंट्रोड्यूस जब आपका बच्चा अच्छे से बैठना सीख ले उसके बाद आई वुड सजेस्ट सम डिफरेंट काइंड ऑफ रैटल्स जिसमें सबसे पहला है एग शेकर सो इस तरह का शेकरस आप ले सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इस पर कहीं भी ये वुड होने के बावजूद भी बहुत स्मूद फिनिश है uh, बेबीज़ की ग्रिप के लिए बहुत ही सही है सो so, एग शर्स इसका साउंड भी बहुत ही लाइक like, पीसफुल लग बहुत सूदिंग साउंड है तो ये एग शेकर्स है आ, देन आप रोलिंग ड्रम्स जो आते हैं यहाँ पे आप पीछे भी देख पाओगे सो तो, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ये जो टॉय है स्पेशली एक तो बॉल्स है अंदर तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और क्रॉलिंग जैसे जैसे वो करना स्टार्ट करेंगे तब आप ऐसे टॉयज यूज़ कर सकते हैं ये इसे हमने बहुत यूज़ किया है एक्सीडेंटली भी अगर रोल हो जाता है और बच्चा इसमें बहुत इंटरेस्टेड है तो वो इसको लेने के लिए क्रॉल करेगा सो so, ये क्रॉलिंग को प्रमोट करता है दिस इज़ वुडन ड्रम सो आप ये ले सकते हैं और इसका ये जो एक छोटा सा भी ऐसा रैटल है तो ये भी घूमता है जैसे इंटरलॉकिंग डिस्क जो होती है वो भी जो मैंने आपको जीरो टू थ्री मंथ्स में आपको दिखाई थी या फिर थ्री टू सिक्स मंथ में भी आप यूज़ कर सकते हैं so, सो वो सेम इंटरलॉकिंग डिस्क भी जैसे वो घूमती है तो बच्चा उसको लेने के लिए क्रॉल करेगा तो दिस इज़ अ लाइक ड्रम रैटल और uh, इसके बाद ये एक स्क्विश uh, रैटल है ये इसकी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड ये uh, इसे स्क्विश रैटल कहते हैं बच्चे जब ऐसे इसे स्क्विश करते हैं अब लाइक uh, like ये वुडन है और uh, जैसे स्क्विश करते तो इसका शेप चेंज होता है एंड देन धीरे धीरे जैसे रिलीज होता है तो फिर ये बाकी uh, वैसे का वैसा पहले जो पहला जो शेप था वही शेप उसका आ जाता है सो अगेन दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट टॉय फॉर ग्रिपिंग सो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं सो दीज आर द रैटल्स यू कैन बाय फॉर योर सिक्स टू नाइन मंथ्स बेबी नेक्स्ट इज अ सिंपल रिंग स्टैकर ना ये जो रिंग्स है ये बहुत बड़े होल्स है इसमें सो so बेबीज़ इसको आसानी से फिट कर देंगे और ये एक्चुअली बैंगल स्टैंड है सो so ये भी अगेन इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाता है इस तरह के जो टॉयज़ हैं ये बच्चे को बहुत एंगेज रखते हैं बिकॉज अगर एक बार उन्होंने सीख लिया कि ये कैसे निकलते हैं तो फिर वो बार बार करेंगे और ये एक्चुअली हमें कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे कितनी बार रिपीट करते हैं बट रिपीटेशन इज़ द की चाहे वो बेबीज़ हो या टोडलर्स हो बच्चे अपनी कोई भी नई सीखी हुई स्किल को बार बार रिपीट करके ही उसे मास्टर करते हैं सो so ये भी अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉय बट बच्चे इसे बहुत एन्जॉय करेंगे अलग टाइप के रिंग्स स भी आते हैं बट बेबीज के लिए स्पेशली इस तरह के जो बड़े वाले होते हैं ये जो बड़ी रिंग्स ये अप्रोप्रिएट है जिससे कोई चोकिंग हजार्ड ना हो और ग्रास्प भी बच्चा कर सके और इसमें डाल भी सके सो so, ये एक टॉय आप कंसिडर कर सकते हैं तो नेक्स्ट इज सिंपल फैब्रिक बॉल ये सॉफ्ट बॉल है सो so बेबीज के लिए परफेक्ट है और ये एक ओपन एंडेड टॉय है आपके बच्चे को ये एक्टिव बनाता है जब ये बच्चे लिए बहुत सारे वेज है इसे खेलेंगे सो so, ये जब दूर चला जाता है तो अगेन बच्चा इसको लेने के लिए जाएगा तो क्रॉल करेगा एंड यू नो इट मेक्स अर एक्टिव सो ये एक है और इसमें एक दूसरी वैरायटी है ये ग्रिप बॉल आ, ये जो पहले वाला है ये अगेन साइज़ इसकी छोटी है बेबी अप्रोप्रिएट साइज़ है बट ग्रीप शायद बच्चा आपका ना कर पाए सो so, इस तरह के जो बॉल होते हैं इसे पज़ल बॉल भी कहते हैं सो so, ये बच्चा ऐसे आसानी से ग्रीप कर सकता है ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था सो थ्री टू सिक्स मंथ्स बेबीज़ की एक्टिविटीज़ में सो so, इस तरह का बॉल जो है ये आप अपने प्ले स्पेस में ज़रूर इंक्लूड करें ये आप खुद भी बना सकते हैं और बाहर भी बहुत इजीली अवेलेबल है सो so, हमारी इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ डिस्कवरी बास्केट नाउ इस पर मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ बट फॉर ब्रीफ गाइडलाइंस मैं आपको बता दूँ कि डिस्कवरी बास्केट में हम कुछ टेन टू फिफ्टीन ऐसी आइटम्स रखते हैं जो बच्चे डिस्कवर कर सके और एक्सप्लोर uh, कर सके सो so, बेबीज़ की अगर बात करें सिक्स टू नाइन मंथ्स इज़ द एज रेंज जब आप उस एक बास्केट आपको तैयार करना है और इस तरह का और उसमें आपको चार पाँच या मैक्सिमम सिक्स आइटम्स उसमें रखनी है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम ना हो जाए सो सिक्स अप टू सिक्स आइटम्स यू पुट इन दिस बास्केट और उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आप रख सकते हैं उसकी पर उस पर मैं बात करूँ सबसे पहला है टेक्स्चर uh, बॉल्स या सेंसरी बॉल्स जिसे हम कहते हैं वो उसका जो टेक्स्चर होता है बच्चे एक्सप्लोर करते हैं और अगेन दे लव टू प्ले विथ बॉल्स तो आप वो कंसिडर करें दूसरा है आप प्ले सिल्क ले सकते हैं ये जो स्कार्फ आते हैं इट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉगस्ट बेबीज वो बहुत ही इन्जॉय करते हैं आप भी जब उनके साथ खेल रहे हो तो आप पिकबू कर सकते हो उनके साथ सो अगेन इट इज़ वेरी यूजफुल देन कुछ एनिमल फिगरिंगस भी आप उसमें रख सकते हैं जो बड़े वाले एनिमल्स आते हैं वो आप कंसिडर करिए छोटे छोटे ना रखें टू अवॉइड चोकिंग हजार्ट सो एनिमल फिगरिंगस की जो पैटर्न होती है उसका जो टेक्स्चर होता है डिज़ाइन होती है उसे भी बच्चे फील करते हैं धीरे धीरे आप उनको एनिमल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो so, आप वो रख सकते हैं देन अगर आपके घर में इंटरेस्टिंग टेक्सचर वाले फैब्रिक्स है तो उसको भी कट करके आप छोटे छोटे बैग्स लाइक बिन बैग्स जैसा बना सकते हैं स्क्वेयर्स या अलग अलग शेप में सो so, वो फैब्रिक्स आप एक्सप्लोरेशन के लिए बास्केट में रखें एंड लास्ट इज स्मॉल सॉफ्ट टॉयज मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से जो जो छोटे वाले जो सॉफ्ट टॉयज आते हैं इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं आई हैव लाइक पुट फोर टू फाइव सॉफ्ट टॉयज इन दिस जस्ट टू शो यू और ये uh, ये जो है अभी हम स्टोरी uh, टाइम में यूज़ करें सो अगेन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बास्केट जो है डिस्कवरी उसमें जनरली जो भी आइटम्स जाती है वो आपके घर में ऑलरेडी जो है उसी में से आप uh, बना सकते हैं सो इट ओनली रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग सो so, अच्छे से प्लान करें और ये सभी टॉयज़ हैं जो आप सिक्स टू नाइन मंथ्स में कंसिडर कर सकते हैं so, सो ये सब टॉयज़ आप अपने छः से नौ महीने के बच्चे के लिए कंसिडर कर सकते हैं नाव वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नो कि बहुत सारे टॉयज़ होते हैं नाव मैंने जो ये आज एक वीडियो बनाया है ऐसे सिक्स टू नाइन मंथ्स का जो एज ग्रुप है उसके लिए मैं और दस वीडियोज़ भी बना सकती हूँ बिकॉज देर आर सो मेनी टॉयज़ इन द मार्केट बट हमें ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इट्स नॉट नेसेसरी और कंपलसरी टू बाय एवरीथिंग व्हिच विच इज़ लाइक सुटेबल टू दिस एज ग्रुप सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छे से प्लान करें ये सिर्फ आपकी जनरल गाइडेंस के लिए मैंने वीडियो किया है जो आपको गाइड करेगा कि मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड कौन कौन से टॉयज आप ले सकते हैं ना अगर आपका बच्चा इनमें से किसी टॉय में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप टॉय रोटेट करते रहिए हो सकता है कि आठ दस दिन बाद या फिर दो हफ्ते बाद अगर आपने फिर से उनको दिखाया जैसे कि स्क्विश रेटल है आप फर फर्स्ट टाइम देंगे तो शायद वो इंटरेस्ट ना भी दिखाए तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उसके अनुसार आपके बच्चे के लिए स्पेस तैयार करनी है बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा ऑलवेज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर चाइल्ड्स लीड बच्चे के इंटरेस्ट के आगे कोई भी टॉय सुपीरियर नहीं है सो ऑलवेज़ फॉलो योर चाइल्ड सो so, uh, ये सब गाइडलाइंस थी फॉर सिक्स टू नाइन मंथ्स बेबीज़ टॉयज़ एंड मटेरियल्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आप मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है जिसमें मैं डी आई वाई मॉन्टेसरी मटीरियल्स भी uh, शेयर करने वाली हूँ वो कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें सो so, अभी के लिए सिर्फ इतना ही आई नेक्स्ट टाइम